धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। आज कृषि मंत्रालय तथा किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बार किसानों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं, अच्छा बजट दिया है। खासतौर से कुछ ऐसी संस्थाएं जो सुप्राय थी उनमें बहुत अच्छा काम किया है। हमारे देश में 668 कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। पिछले इतिहास को मैं देखता रहा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी मैं काफ़ी भ्रमण करता रहा हूँ, उनमें बहुत सा अभाव दिखाई देता था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर प्रयास किया और काफ़ी अच्छा बजट दे करके उन कृषि विज्ञान केंद्रों को सक्रिय किया है, उनमें सुविधाएँ दी हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि और अधिक भी आप उसमें बजट देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ में भारत सरकार ने जो बजट दिया है उसमें कुछ विषयों पर बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बजट दिया है, और मैं समझता हूँ जैसे हमारी डेयरी उद्यमशीलता, देसी नस्ल की बात माननीय कुंवर साहब भी कर रहे थे, अन्य वक्ताओं ने भी कहा है, देसी नस्ल पर सुधार करने के लिए पिछली बार हमारा 55 करोड़ रुपये का बजट था, इस बार उसको बढ़ा करके 65 करोड़ रुपये किया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन में भी बजट को बढ़ाया है। पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण का हमारा 284 करोड़ का बजट पिछला था, इस बार उसको बढ़ा करके 298 करोड़ किया है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों से संबंधित पशुओं की थी, और ख़ास तौर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने जिस विषय में विशेष काम किया है, अभी चर्चा कर रहे थे बरानी क्षेत्र की, बरानी क्षेत्र में और कम पानी के अंदर फसल पैदा होने वाली बहुत सी फसलें हैं, जैसे दालें हैं, और दालों की खपत हमारे देश में बहुत अधिक खपत रहती है। माननीय मंत्री जी ने कुछ बीजों के अनुसंधान पर बहुत अच्छा काम किया है कृषि मंत्रालय ने पिछले 3 साल में, जैसे नई जो किस्म पैदा की गई हैं उनके अंदर चावल के अंदर कई अच्छी नस्लें आई हैं, 23 DRR धान की, 44 नुआ, ये बहुत सी अच्छी नस्ल हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर चावल पैदा होता है, और इस पर काम किया गया है। इसी तरह से गेहूं की जो नस्ल हैं, गेहूं का उत्पादन घटता जा रहा है, हमारे भंडारण की दृष्टि से जमीन घट रही है, आबादी बढ़ रही है, और उस घटी हुई जमीन की दृष्टिकोण से यदि हम अपने अच्छे बीजों का उत्पादन करेंगे और उत्पादन बीज का अनुसंधान करके अच्छे बीज लाएंगे, उससे किसान का उत्पादन बढ़ेगा, और किसान का उत्पादन बढ़ने के कारण उसको अच्छी आमदनी मिलेगी। तो गेहूं के क्षेत्र में कई अच्छी नस्लें लाई गई हैं, जैसे SD 2967, 343, SD 3086, ये गेहूं के क्षेत्र में काम किया गया है। इसी तरह से चने के ऊपर काम किया गया है, हमारी हिसार यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उन दोनों यूनिवर्सिटियों ने चने पर काम किया है। चने में GJK5 जो एक किस्म है, जो हमारे यहाँ पर चने में बहुत बीमारियाँ लगती हैं, लेकिन इस नस्ल के ऊपर बहुत बड़ा काम, जो अच्छा काम किया गया है, ये नस्ल ऐसी है जो बीमारियों से बच जाती है। ऐसे ही काबुली चना जो है उसमें 3022 जो नस्ल आई है, जो शुष्क जड़ के जड़ सूख जाती थी पौधे की, इस प्रकार का एक बीज पैदा किया गया है ताकि उसके जड़ों में बीमारी नहीं लगे, और उसका एक रिसर्च किया गया है। इसी तरह से मूंग के ऊपर बहुत अच्छा अनुसंधान का काम हुआ है, जिसकी जरूरत थी, यानी मूंग पूरा देश खाता है और दाल का हमारे देश में बहुत बड़ी खपत है, तो मूंग के अंदर जो अनुसंधान हुआ है उसमें 52 से 55 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। इसकी 3-3 फसलें भी हमारा किसान ले लेता है, जैसे अभी फसल कटेगी तुरंत उसके बाद में बीज करके और एक नई फसल ले सकता है, तो मसूर के अंदर भी ले सकता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि किसान के क्षेत्र के अंदर हमारी बहुत सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र 268 लगे हुए हैं, हमारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय 65 हैं, और AICRC की जो योजनाएं हैं वो 81 हैं, मानद विश्वविद्यालय 5 इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 3 काम कर रहे हैं, और कृषि संकाय सहित केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो 3 इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये रिसर्च सेंटर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और इनमें खास तौर से मेरा एक निवेदन है कि हमारे अनुसंधान केंद्रों में
जैसे कि पहले वक्ताओं ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करता रहा हूं, मैंने 40 साल गौ पालन के क्षेत्र में लगाए हैं। गाय के क्षेत्र के अंदर हमारे पहले के लोगों ने श्वेत क्रांति की, लेकिन इस प्रकार की नस्लें विदेशों से लेकर के आ गए जो हमारे वातावरण के अनुकूल वो नहीं रह पाती हैं। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी नस्ल है, HF नस्ल है, हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन वो कूलर चाहिए, उनको पंखा चाहिए, उनको AC चाहिए। हमारी जो देसी नस्लें हैं, राजस्थान की राठी है, राजस्थान की थारपारकर है, पंजाब की साहीवाल है और गुजरात की गिर नस्ल है, ये गर्म क्षेत्र के अंदर काम रह करके काम समय देती हैं और 10-10 बार ये नस्लें जो हैं हमारी दूध देती हैं, 10-10 बार इनका ब्यात आता है। तो उन नस्लों का अनुसंधान किया जाए और उन पर काम किया जाए। इसी तरह से खेती की दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा, जैसे सिक्किम को जैविक खेती में प्रोडक्शन किया गया है, आज स्थिति ये पैदा हो गई है, राजस्थान का गंगानगर जिला है, यहाँ निहाल जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र से बीकानेर में हमारे यहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ से ट्रेन आती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें सैकड़ों मरीज नहीं हो। हमारे प्रत्येक जिले के अंदर जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि खाद की मात्रा अधिक हो गई, रासायनिक खाद की दवाइयों का प्रयोग अधिक होता है। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर इस प्रकार की एक योजना बनाई जाए ताकि देसी तरीके से गौमूत्र से और अन्य चीजों से, आंख है, धतूरा है, गौमूत्र है, तंबाकू है, इनसे बहुत से स्थानों के ऊपर जो जैविक खेती करते हैं उन्होंने अनुसंधान काम भी किए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4-5 गाँव के अंदर अच्छा काम हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। इसी तरह से मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में मैंने पिछली बार भी इस मुद्दे को उठाया था और खाद्य मंत्रालय से और कृषि मंत्रालय से संबंधित दोनों मंत्रालय ये विषय है प्याज की खरीद का। हमारे यहाँ पर सर्वाधिक प्याज होता है, लेकिन प्याज का भाव जब सीजन नहीं होता है तो 20-25 रुपए किलो जाता है। अब प्याज का सीजन आया है तो अभी हमारे यहाँ 10% प्याज नहीं आया है मार्केट में, उसका भाव 4 रुपए किलो पर आ गया है। तो प्याज के भंडारण का, प्याज की खरीद की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे यहाँ पर आंवले की, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र उसमें एक विधानसभा क्षेत्र है चोमू, वहां पर आंवला इतनी मात्रा में होता है, सैकड़ों ट्रक आंवला नित्य प्रति वहां से बाहर जाता है। वहां कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट अगर लगा दिया जाए जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। तो इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे, खासतौर से देसी नस्ल के अनुसंधान के ऊपर और बरानी क्षेत्र में कम पानी से होने वाली फसलों के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। और गोपालन के अंदर भी आपने जो देसी नस्ल का बजट दिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद।